अच्छा जनाब, तो आपको पता है कि हमारे शो पे टैलेंट की कभी कमी नहीं हुई, लगा शुक्र है लाहौर में। लाहौर में क्या, पाकिस्तान में, लाहौर में स्पेशली टैलेंट की कभी भी कोई कमी नहीं रही। आप जहां से देखें आपको टैलेंट ही टैलेंट। बिल्कुल ऐसी। और अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टैलेंट मौजूद है, वो भी उन्होंने भी पाकिस्तान में अपना काफी नाम पैदा किया। और 2013 में जब वो को स्टूडियो में आए तो आपको पता है कि वो आए और छा गए। और सॉन्ग राइटर भी हैं, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं। और जो इनका गाना है वो जब जिस वक्त रिलीज हुआ उसके बाद से अब तक तकरीबन हर गाड़ी में आपको वो सुनने को मिलता है। और हर आपको जब भी आप जिस भी फेज में हो आप वो गाना लगा लें, आपका मूड ताजा हो जाता है। और कमाल है, वैसे बहुत ही खूबसूरत गाना है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया भी है। उनको शो पर दावत देते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उनसे फिर गाने भी सुनेंगे। वी हैव विद अस काशिफ अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? प्लीज बैठ जनाब। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और लगता है कि आप ट्रैफिक में से फंस के आ रहे हैं। आपको पता है लाहौर में तो ट्रैफिक तो लाहौर की एक बड़ी पहचान है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जाहिर है लाहौर जो है वो सिर्फ लाहौरियों का नहीं है, लाहौर के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका भी है। बिल्कुल ऐसे। तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस जो है सिंगिंग का, वो खासतौर पर कोक स्टूडियो जैसे एक प्लेटफॉर्म जो आपको मिला, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाकिस्तान का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है और एशिया में सबसे ज्यादा हमारा पाकिस्तानी कोक स्टूडियो सुना जाता है। कोक स्टूडियो हर ममालिक में होता है, श्रीलंका में होता है, बांग्लादेश में होता है, बहुत ज्यादा इंडिया में भी होता है, लेकिन माशाल्लाह ये पाकिस्तान आपको पता हर काम में ही आगे होता है। इसमें भी पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है कि बहुत अच्छे से करता है। अच्छा, आपके गाने का आगाज कैसे हुआ, कब शुरू किया, कॉलेज लाइफ से या बचपन से ही शौक था कि गाना गाने? स्कूलिंग में आपको पता ही है टैलेंट हो तो उसमें दिल करता है कि जरा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, तो इतना नहीं था, मैं मुझे शौक था क्रिकेट का, क्रिकेट का बेहद शौक था कि यार क्रिकेटर बनना है। और आवाज थी बस, स्कूल में एक इवेंट हो रहा था हमारे ऐसे नॉर्मली, तो मेरे टीचर ने मुझे सुन लिया गुनगुनाते हो, उन्होंने कहा कि तुम गाना गाओगे, फन फेयर आ रहा है। मैं बड़ा डर गया, मैंने कहा मैम मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा, क्राउड है, मैं मार पड़ेगी। वही था। तो फिर इस तरह हुआ, एक इवेंट हुआ हमारे स्कूल में, तो जॉन रामू भाई है गेस्ट, तो मैंने पहली दफा क्राउड के सामने गया। बड़ा अच्छा गाया था वो, एक बहुत ही पुराना गाना था, सुना होगा आपने, आज जाने की जिद ना करो। अच्छा, बड़ी मजे की बात थी कि इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे टीचर ने मुझे एक शौक सा गाना दिया था, फास्ट गाना। अच्छा, कि तुमने ये तैयार करना है। तो लेकिन मेरे मैं उस गाने को ना मुझे पसंद नहीं आ रहा था वो गाना, मैंने कहा था यार ये मुझे। हाँ, तो जब मैंने गाकर खत्म किया तो मेरे क्लास फेलोज और टीचर्स के ना फेस अजीब से गुस्से वाले बने हुए कि इसको जो हमने गाना दिया था वो क्यों नहीं गाया, इसने वो नहीं गाया, क्योंकि ये तब बहुत पुराना गाना था, आज से काफी देर पहले। और रेमो भाई स्टेज पे आ गए, उन्होंने आके मुझे कहा कि यार जो तुमने गाना गाया है यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया, मुझे आया, लेकिन तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनोगे इंशाल्लाह। अरे वाह, क्या बात है, यानी कि उस वक्त उन्होंने क्या किया। तो अभी रिसेंटली मैंने एक टीवी शो में गया हुआ था, तो मैंने बताया, वो बड़े खुश हो गए थे यार। अच्छा, तो मैं कहा यार मेरा कह रहा कि अगर हम वही गाना सुन ले जो पहले आपने सबसे पहला गाना गाया था वो हम चले, इस गाने की डेडिकेशन आप दोनों के लिए। चलो, गुड गुड गुड। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जाना, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, मजेदार। थैंक यू। बाकी मेरा ख्याल है कि आपने बिल्कुल सही चॉइस की थी, बिकॉज आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसके लिहाज से गाना बहुत जबरदस्त था वो, बस बचपन से। गाने की कहीं स्पेशल ट्रेनिंग भी ली? ट्रेनिंग जो थी मेरे आइडियली बहुत बड़े थे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब थे, उनको बचपन से मैं पसंद करता था उनके गाने, और बहुत डिफिकल्ट गाने थे उनके, आपको बताइए।
सो अक्सर मैं दोस्तों में बैठता था और कहते थे यार ये कौन सा सिंगर, मतलब वो तो पुराने सिंगर है, तूने पाकिस्तान आइडल में भी आपने पार्टिसिपेट किया, फाइनल्स तक भी गए, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? सबसे पहले तो मुझे इस चीज की बेहद खुशी थी कि पाकिस्तान में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था, पहली दफा हुआ था और मैं उसका हिस्सा था, और थ्रू आउट शो में मुझे बहुत ज्यादा लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और काफी चीजें मैंने वहां से सीखी। अच्छा, और वही जैसे आप कह रहे थे कि आप एलिमिनेट भी हुए उसके अंदर, और बहुत वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए और फाइनल तक गए आप, बहुत ज्यादा क्रेज बन गया था लोगों को वाइल्ड कार्ड एंट्री में। अक्सर होता है जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क में रियलिटी शोज होते हैं ना, वो जो वाइल्ड कार्ड से आता है ना कंटेस्टेंट, उसकी ज्यादा एक हाइप होती है और वो सबसे भारी होता है। बिल्कुल ऐसे कि वो उसके कमेंट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे मुझे थ्रू आउट। अली जफर ने जितने भी आर्टिस्ट आए गेस्ट अपीयरेंस के लिए, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये इस सिंगर में लगता है कि यही बनेगा। अच्छा। लास्ट ईयर जब कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर आया स्ट्रिंग्स, उन्होंने मुझे कहा टॉप 5 की परफॉर्मेंस थी हमारे यहाँ। अच्छा। तो वो आया था गेस्ट अपीयरेंस के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे तुम्हारे सर पे ताज नजर आ रहा है अभी से। अच्छा, जबरदस्त। चलिए जी गाना वो सुनते हैं। चलें तेरी आराम तेरिया राम सोने तक के बैरिया आ जा दिल दे जानिया शमा पै गया शमा पै गया तेरे दम दिया खैरा मंगा चुक चुक बावा तेरे दम दिया खैरा मंगा चुक चुक बावा मेरा कोई बिना दर्दी हाल सुनावा है किनु हाल सुनावा बस ना चले तकदीर ते हार के मैं गईया आजा दिल दे जानिया शमा पै गईया शमा पै गया। खूबसूरत, जबरदस्त यार, क्या बात है, कमाल। और जगह भी बहुत अच्छी लगी, बस वो बड़ा इसको सिंपल भी किया और कोशिश की कि थोड़ा डिफरेंट भी। अच्छा, आप कंपोज भी करते हैं और राइटर भी हैं? जी अभी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कर रहे कोई एल्बम? अब मैं अपने एल्बम में 3 गाने बना रहा हूँ खुद ही, 2 शराज भी कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं। अच्छा, रणदीप हुदा की जो एक फिल्म थी उसके लिए भी आपने गाना गाया था? अभी वो अपकमिंग मूवी है इंशाल्लाह आ रही है, तो उसमें भी मैंने रणदीप हुदा ने टाइटल सॉन्ग गाया। अच्छा, बहुत फिट सॉन्ग है। तुझ में लगा है मेरा मन तुझ में लगा है मेरा मन प्यार तेरा ही मेरी है पना दूर रहूं तुझसे तो है गुना बरसों से आदत है तेरी हर पल हर शब हर दिन तू ही इबादत है मेरी ना कोई भी कहीं तेरे बिन तुझ में लगा है मेरा मन तेरा ही नशा है धड़कन तुझ में लगा है मेरा मन तुझ में लगा है मेरा मन तुझ में लगा है मेरा मन तेरा ही नशा है धड़कन अच्छा, तो इंडिया में जाकर परफॉर्म किया? टी सीरीज की तरफ से गाना गाया था, इंडिया में गाना। और इसके अलावा लाइव परफॉर्मेंस वगैरह देते हो?
जाहिर है। कहाँ बाहर जाके भी परफॉर्म किया? नहीं बाहर नहीं किया, अभी इंशाल्लाह रिसेंटली जा रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ जी जा रहा हूँ। उसके अलावा अभी पाकिस्तान में जितने भी शोज होते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें परफॉर्म, तो जो यहाँ पे शोज होते हैं उसमें कवर्स भी करते हैं और अपने गाने भी करते हैं। देखिए जी गाना आजाद होता है हाँ। और किसी के जागीर नहीं होती। अगर आप अच्छा म्यूजिक आपने सुना है किसी का, आप गा रहे हैं तो बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि किसी ने लिखा है, किसी ने कंपोज किया, किसी ने गवा लिया जी, अब वही गाना कोई और भी गा सकता है। ऐसे ही जिस तरह हम लोग बहुत सारे कवर्स कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट के गाए हुए गाने जो पुराने थे वो अब रिलीव हो रहे हैं जी, इसी तरह इसी तरह यंग आर्टिस्ट। तो अब अगर किसी सिंगर अच्छे सिंगर का गाना गा रहे हैं उसमें कोई मेरे ख्याल से नहीं पड़ता है बिल्कुल। अगर मेरा गाना अक्सर मैं पंजाब कॉलेज का टूर कर रहा हूँ पिछले लास्ट दो मंथ से, अच्छा। उसमें फलक शब्बीर, मियां बिलाल सईद मियां साथ, और अक्सर इस तरह हुआ कि बिलाल और मैं बैठे हुए और वो गा रहे गुनगुना रहे, कह रहे यार बड़ा अच्छा गाना गाया तुमने शमा पे गए, कहाँ से चूज किया गाना। फलक ने भी इस तरह का, और आरिफ लोहार साहब ने भी कहा यार ये गाना जो है ना बड़ा डिफरेंट गाना, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की, ऊपर से कोक स्टूडियो इसी तरह उसमें प्रॉपर एक फील बनाई है कोक स्टूडियो ने बिल्कुल। वही क्योंकि इन्होंने जब सेलेक्ट किया इन्होंने भी देखा ना कि लॉन्ग टर्म बिल्कुल, मैंने ये देखा, मैंने अभी स्टिल उस गाने की 9 मिलियन व्यूज हो गए उसके, अच्छा ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा आप वही वाला अंतरा सुना दे जो आपने उसके लिए किया था। हाँ दम दफरोसाया दम आवे ना आवे, जबरदस्त क्या बात है। इसको अच्छा इसका भी यानी कि आपने सैडर वर्जन डाल दिया, वो लोगों ने काफी कहा कि हमें इसका चाहिए आपसे सुनना प्लीज इंस्टाग्राम पे, क्योंकि फील भी है ना आपकी आवाज में और टेक्सचर भी आपको वैसा है थोड़ा सा रॉ है तो इसलिए वो मजा आता है सुन के। हाँ तो इंशाल्लाह वो बड़ा अच्छा वर्जन ने बनाया है, उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा करवाया हमने। अच्छा, तो वीडियो पे भी काम हो रहा है? वीडियो पे भी काम हो रहा है। उसके अलावा बॉलीवुड वाला सॉन्ग है, उसके अलावा एक और वीडियो किया था बॉलीवुड के लिए, वो थोड़ा आपको पता पिछले दिनों थोड़े हालात हमारे हो गए थे उसकी वजह से वो रुक गया, उसके वोकल्स कर रहा हूँ अभी। उसके अलावा एक दो सिंगल आ रहे हैं और कॉन्सर्ट चल रहे हैं, पंजाब कॉलेज का टूर चल रहा है बस, तो अल्लाह का शुक्र है कि काम शाम चल रहा है। अच्छा और आर्टिस्ट के साथ भी कोलैबोरेट किया है? अभी तक नहीं किया, अच्छा, लेकिन ये कि लाइव शोज में अक्सर हो जाता है, मौका मिल जाता है। अच्छा आतिफ असलम भाई का ये फेवरेट गाना शामा पैगी, अच्छा। मैं उनके बर्थडे पे गया था और उन्होंने कहा कि यार मुझे बड़ा पसंद है, मेरी वाइफ को बहुत पसंद है शामा पैगी, जबरदस्त क्या बात है। लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था, मुझे तकरीबन लोगों ने कहा कि यार नया गाना में सुनने को मिला तो सुनी तो मेरी। अच्छा जी हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, हम जाते जाते कोई गाना सुनना चाहेंगे, नुसरत फतेह अली खान साहब के आप बहुत वो कह रहे थे इंस्पिरेशन है, तो उनका कोई गाना हम जाते जाते आपसे सुनना चाहेंगे। मेरा ख्याल यही ना सुन ले, शमा पिया तेरे बिना आप फिर मेरे साथ मुझे आते हैं लिरिक्स नहीं आते तो इसलिए मुझे भी थोड़े सही से लिरिक्स नहीं इसके याद। कोई और चलिए कोई और सुना दे। हां व्हाटएवर यू आर गुड एट। सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना, जलू तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना, याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रे ना है नींद ना आए, बिरहा की मारी देखूं राह तिहारी, दोने
हदीप जलाए जलू तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ना। सांवरे तोरे बिन जिया जाए। खूबसूरत, जबरदस्त यार, यू मेड आवर डे, कसम से मजा आ गया। अच्छा वो सिंगर्स का होता है ना कि कोई स्टोरी होती है इसलिए आवाज में इतना दर्द होता है, आपकी भी बड़ी सारी स्टोरी है। अच्छा बहुत सारी स्टोरीज है जिससे सारा दर्द इकट्ठा हो गया, गाने से दर्द इकट्ठा हो गया, सारा इकट्ठा हो गया। चलिए थैंक यू सो मच काशिफ आप आए हमारा आपके शो को चार चांद लगा दिए, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आपको नया गाना आता है तो वो भी हम दोबारा से इनवाइट करेंगे आपको। अच्छा लगा यहां के, मैं एक दो दिन से फॉलो कर, एक लास्ट मैंने एक दो एपिसोड आपके फॉलो किए, अच्छा अच्छा लगा था, मैंने कहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, और जाते जाते मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि शफाक अहमद कहते हैं जब सूरज गुरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। इसी अच्छी बात के साथ मुझे सैयद अरबला सुनो और उमर सद को इजाजत दीजिए, और कभी ना भूला कीजिए कि हमारे फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे आप लोग अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आपको अपना कोई टैलेंट या वीडियो शेयर करना चाहे तो जरूर हमारे साथ करिएगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। अभी हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।